कल का दिन बहुत अच्छा है, कल का दिन नमक का दिन है, कल चतुर्थी नवरात्रि नमक की होती है, किनकी होती है? तो नमक। कल जितने लोग देख रहे हो, एक कांच के प्याले में नमक, क्या चीज, छोटे से कांच के प्याले में, चीनी के प्याले में, पत्तल में, दो चीज में नहीं होना चाहिए, स्टील के बर्तन में नहीं रखना, डिस्पोजेबल में नहीं रखना, चीनी हो, कांच हो, पत्तल हो, नमक भर लो, थोड़ा नमक, खड़ा नमक, आग का नमक जिसको खड़ा नमक बोलते, साबुत नमक, नमक एक में थोड़ा सा भीम सैनी कपूर, क्या भीम सैनी कपूर, एक में थोड़ा सा खस का जड़, खस का जड़, ये तीनों थोड़ा थोड़ा रख के आपके हॉल में घर में कल रख लेते हो तो नवरात्रि में रखा हुआ ये चीज बहुत ही समृद्धिदायक, सुख को लाने वाला, धन दौभा सौभाग्य लाने वाला, घर में कोई वास्तु दोष हो, कोई प्रकार का संकट हो, देखो नमक में वो ताकत है कि कैसा भी दोष हो उसको निवृत्त करके समृद्धि को आकर्षित करने वाला। अगर संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्राकृतिक अगर कोई औषधि है वो नमक है, जिसकी शक्ति कोई नहीं जानते। भीमसेन कपूर में लक्ष्मी को खींचने की ताकत है, और खस के जड़ में सभी दोषों को निवृत्त करके धन और सुख को आकर्षित करने की ताकत है। एक प्याले में खस का जड़, एक में नमक और एक में भीम सैनी कपूर, तीनों रख के एक थाली में रख के इसको कल हाल में दोपहर में 12 से 1:30 के अंदर रख दीजिए, बहुत अच्छा लाभ होगा। इसको 6 महीने 5 महीने तक वहीं रहने दीजिए, बाद में जब इससे सुगंध निकल जाए तो पानी में विसर्जित कर देना है अच्छे से। कल ये काम करना है सबको। कल देवी को मरुए के पत्ते चढ़ेंगे, क्या चढ़ेंगे? मरुए के पत्ते, लाल कमल, ये कल देवी को चढ़ेंगे, और कल देवी माँ को दूध पेड़ा चढ़ेगा। जो कल घर में जो भी भोग लगा रहे हैं, कल चतुर्थ दिन में, कौन सा दिन? चतुर्थ दिन। कौन सा दिन? चतुर्थ। कुष्मांडा देवी का दिन है कल। कौन सी देवी? सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च ददाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। 8 हाथ वाली भगवती जगत जननी, एक हाथ में कमल, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में जपमाला, एक हाथ में सुरा कलश, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में धनुष, एक में बाण, ऐसे 8 हाथ में 8 अस्त्र लेके शेर पर सवार होने वाली कूष्मांडा माँ को कल जो लाल कमल चढ़ा देते हैं और दूध पेड़ा चढ़ा देते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है नवरात्रि के चतुर्थ दिन। कूष्मांड यानी कद्दू को बोलते हैं। कूष्मांड किसे बोलते हैं? कद्दू को। ऐसे कूष्मांड यानी कद्दू, ऐसे माँ कूष्मांडा का कल क्या शक्ति है, क्या साधना है, कल देखेंगे। खास करके चंद्र घंटा माँ की आज तीसरे दिन कथा सुन रहे हैं। चंद्र घंटा माता मणिपूरक चक्र की देवी है। मणिपूरक चक्र कहाँ है बच्चों, बताओ? नाभि में। कहाँ है? नाभि में। नाभि में जो चक्र है वो मणिपूरक चक्र है। ऐसे नाभि चक्र, नाभि से ही देखो बच्चा जन्म लेता है तो नाल कहाँ से कटता है? तो नाभि से ही माँ का संबंध है, हम सबका ये पृथ्वी माँ से नाभि से संबंध है। इसलिए ये तीसरे दिन की चंद्र घंटा देवी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो नाभि चक्र की देवी है, क्योंकि यहीं से जन्म होता है। आज तीसरे दिन से ही देवी की कृपा का जन्म शुरू होता है, इसलिए आज तीसरे दिन नाभि चक्र में देवी का ध्यान शुरू होता है। ऐसी माँ को प्रणाम करके अब आरती माँ की यहाँ करने जाएंगे। उसके पहले माँ की एक झांकी देखने के पहले